मुंबई पुलिस को सलाम न्यूज़ को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो। मुंबई पुलिस को सलाम। मैं वही हूँ जो कभी तेरे लिए पूरे पूरे दिन लाइनों में लगकर तुझे सरताज बनाया। तू राजा बनकर खुश हुआ तो मैं तेरी प्रजा बनकर बहुत खुश था। तेरे फैसले थे मैं काला धन मिटाऊंगा, तूने रातों रात नोट बंद कर दिए। मैं कई दिनों तक बैंकों के लाइन में रहा, मेरे बच्चे भूखे रहे, मैंने पुलिस की लाठियां खाई, लेकिन मैं फिर भी खुश रहा। क्योंकि तू राजा बन के खुश था, मैं प्रजा बन के खुश था। इस कोरोना वायरस के फैसले पर हम तेरे हर एक फैसले को सर आँखों पर रखते हैं, पर अब नहीं सहा जाता क्योंकि अब 15 दिन होने को आए। अब मेरे पास पैसे नहीं, राशन नहीं, काम नहीं, कोई उधार नहीं देता। मैंने ताली भी बजाई, मैंने थाली भी बजाई, अब दिया भी जला लूँगा, पर मुझ पर ध्यान दे क्योंकि अब मांगने की हिम्मत नहीं। तू राजा बनकर खुश है, मैं प्रजा हूँ पर खुश नहीं। लॉकडाउन की वजह से देश में बंदी होने को आज लगभग 15 दिन होने को आए। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां की पूरी बस्ती के घरों में राशन खत्म होने को आया। अब ऐसे में लोगों को अपने को और अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए सामूहिक बनने वाले खाने का सहारा ही है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के अंदर आने वाला क्षेत्र नाला सोपारा के संतोष भवन स्थित राशिद कंपाउंड में अब सामूहिक भोजन पर ही निर्भर हैं लोग। यहाँ क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से लोग कई दिनों से खाना खा रहे हैं। स्लम एरिया है और हमें सरकार से ना हमारे नगर सेवक से कहीं से हमको कुछ मदद नहीं मिल रही है। ये हम लोग सब मिल के आपस में कर रहे हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ 3200-3300 लोग रहते हैं, हम सबको तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं जो एकदम मजबूर है बेचारे, हम उनके घर तक उनको भूखा ना रहने दें। क्योंकि हमारे इस बस्ती में बेगारी के काम करने वाले, ठेला गाड़ी चलाने वाले, रिक्शा टेम्पो चलाने वाले, ऐसे बहुत मजबूर किस्म के लोग रहते हैं। और ये खाली मैं अकेला नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे मोहल्ले वालों ने, यह हमारी महिला टीम है, यह हमारे सुहेल भाई है, मौलाना तौहीद आलम है, और नीचे का काम हमारी बाजी जी लिए, वो दिलशाद भाई, ये लोग सब मिलके कर रहे हैं। तो हम लोग ने भी रात दिन का यहाँ काम चालू किया है, रात में यहाँ कि हम जो मजबूर लोग हैं बेचारे भूखा नहीं रहे। राशन कार्ड धारक कितने होंगे भाई हमारे बस्ती में? तो राशन कार्ड धारक मेरे को ऐसा लगता है 100% में से 10% राशन कार्ड धारक है। बेचारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको घर भी नहीं है, भाड़े के रह रहे हैं, फैमिली को लेके रह रहे हैं। बाकी जो 10% लोगों को राशन कार्ड है, तो वो बेचारे कैसा है, राशन कार्ड के माध्यम से उतनी लाइन हो रही है और अब भी चालू किया है, कल से चालू किया है, और बहुत जन को लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो कहने का मतलब ये, अगर आज 300 को देखता है, अगर वो राशन कार्ड वाला भी, एक ही राशन कार्ड की दुकान है हमारे मोहल्ले में और बहुत बड़ी बस्ती है, कम से कम नहीं यहाँ से लेके नाके तक 10,000 घर होंगे, तो उसमें डेली का अगर 300 को देगा तो बाकी बेचारे जो भूखे लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। तो ऐसे हम लोग मुहिम चला पे, आप लोगों को राशन मिला है? नहीं, हम लोगों को राशन कार्ड नहीं मिला, हम लोग को कुछ नहीं मिला, हम लोग घर से रहते हैं, हम लोग को घर द्वार नहीं मिला। यहाँ के लोग मिलके ट्रस्ट के हिसाब से खाने का व्यवस्था कर रहे हैं, अगर ये व्यवस्था नहीं होती तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सब भूखे मरते मरते ऐसा है। जो अभी आज कल कमा, आज कमा के तो कल खाते, ऐसा आदमी है यहाँ पे, और जैसे कोई कमा के जमा करने वाला आदमी लोग नहीं है, नहीं किसी पास ज्यादा पैसा है कि वो खा सकेगा। यहाँ लोगों ने अपनी टीम बनाई है और लोगों ने अपने अपने काम निर्धारित कर लिए हैं। कुछ लोगों का काम है खाना बनाना, तो कुछ और लोग ऐसे हैं जो मसाले तैयार करते हैं, और कुछ ऐसे लोगों की टीम है जो घर घर जाकर खाना पहुँचाती है। क्षेत्र में रहने वाले रहवासियों को इंतजार रहता है कि अब खाना बन गया होगा और अब सामूहिक खाना आने का टाइम हो गया। आइए मिलते हैं उन लोगों से जो इस खाने के सहारे जिंदा हैं। आपके लोगों को तक खाना पहुंच रहा है, किसने कितने दिनों से ऐसा हो रहा है? 4-5 दिन से तो आ रहा है अभी हम लोगों को, और मिल रहा है ठीक से, हम लोग को 2 टाइम खाना मिल जाता है। अगर ये आज नहीं मिला, 4-5 दिन से नहीं मिलता,
तो सिचुएशन क्या होता है? तो ऐसा होता कि हम लोग घर में से भूखे रहते भाई, हम लोगों का कोई अवक भी नहीं, रास्ता ही नहीं, कोई हम लोग साधन ही नहीं। ऐसे गलियों में सैकड़ों गलियां हैं, हाँ सभी में ऐसा, सैकड़ों गलियों में जो लोग रहते हैं सबकी हालत, सभी की हालत ऐसी, रोज खाने कमाने वाले, हाँ रोज कमाने वाले खाने वाले भाई। क्या कोई आपका क्षेत्रीय नगर सेवक समाज से कोई 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 हमारे यहाँ आया नहीं, और किसी ने हमसे पूछा भी नहीं, और ना हम लोग से आके जानकारी ली कि तुम्हारे घर में कौन है, क्या है, कैसा चल रहा है, कुछ नहीं पूछा, ना राशन वाशन कुछ हम लोग को साधन नहीं करके दे रहे। ये व्यवस्था किसकी तरफ से है? ये व्यवस्था तो हमारे एरिया के लोग है बेचारे बड़े बड़े, वही हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं, हमको खिला रहे हैं। अल्लाह का सात परिवार, और हर परिवार के ऊपर कई जिम्मेदारियां, बच्चों से लेकर बड़ों तक का सारा खर्चा, ऐसे में एक दिन घर चलाना मुश्किल होता है, और जहां आज 15 दिन होने को आए तो क्या हालत होगी। इस काम में कई लोग लगे हुए हमारे सामने, और ये लोग इसी तरीके से डेली का गोनी का इस्तेमाल करते हैं, और गोनी में खाना पैकिंग करके पार्सल का खाना ले करके लोगों के घरों तक पहुँचाते हैं। यह खाना डिलीवरी का सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है, और यह सिलसिला सिर्फ एक वक्त का खाना नहीं, दोपहर से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक ऐसे ही लोग दरवाजे दरवाजे खाना देते फिरते हैं। नजरे आलम से, नजरे आलम ये जो खाना आपके हाथ में फैली है, हाँ। पैसा भी काटेंगे? नहीं, वहाँ ये पैसे मिल रहा है किसके सजरे से, कौन दे रहा है? साजिद भाई दे रहा है, फिरोज भाई दे रहा है, सोहेल भाई दे रहा है हमको। क्यों दे रहा है, क्या जरूरत है आपको देने की? हमारे घर में सब भूख मार रहे हैं, हालत है। हाँ, कितने दिनों से हालत है? 10-12 दिन से भूख लगे हैं। क्या करते हैं? हम भंगार क्षमता भंगार। आज मेरी 40-45 साल हो गई, ऐसा कभी नहीं आया जिंदगी में मेरे, और ना आएगा ऐसा, न हो किसी के साथ, मगर जो हाल यहाँ है, मैं सोच रहा हूँ सरकार से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि सरकार हम लोग पे ध्यान दे, हम लोग को कुछ भूख से बचाए, ये कोरोना बाद में मारेगा, भूख पहले मार देगा हम लोग। खाना नहीं मिलता तो कोई रास्ता था? कोई रास्ता नहीं था, भूखा मर जाता, कोई रास्ता ही नहीं था, ये खाना ना मिलता तो हम लोग भूखे मर जाते। यहाँ इस बस्ती का पूरा आदमी का हाल वही है। मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे मोहल्ले में कम से कम 1200-1500 लोग गरीब बस्ती है, और ये गरीब बस्ती में पब्लिक जो भूखे मर रहे, हम ये देखा नहीं जाया हमारे से, और हम साजिद खान के पास गए, साजिद भाई से बोले कि साजिद भाई हमारी गरीब बस्ती में जो 2-4-10 लोग भूखे मर जाएंगे तो हम लोग का बहुत तकलीफ होएगा, इसके कारण हम लोग ने कमेटी बनाया, हमारे जैसे सोहेल भाई और साजिद खान, मौलाना तोहिद आलम और हम फिरोज भाई, और बाकी 2-4 लोग और सहयोगी हमारे, सब सारे लोग साथ में एक कमेटी बनाया, और सबको साथ में मैंने लेके चलना चालू कर दिया, और हमने खाना बांटने का कमाने खाने वाला है। ऐसे सिचुएशन में जब लोगों के घर पे ऐसी आपदा आ जाए या सरकार की तरफ से बंदी हो जाए तो आदमी असमंजस के दायरे में फंस जाता है। हकीकत ये होता है कि रोज रोजी रोटी कमाने वालों के आगे कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, पर प्रांतीय यहाँ पर आते हैं और बच जाते हैं। लगभग 22 लाख की आबादी है और 3 लाख कार्ड धारक हैं, राशन कार्ड के धारक 3 लाख और 22 लाख की आबादी, फिर इसमें कहा जाए कि ऊंट के मुंह में जीरा। वसई विरार क्षेत्र में नगर सेवक ने और सभापति ने कल के डेट में राशन कार्ड की लाइनों में खड़े होकर के लोगों को राशन वितरित कराया, लेकिन जिस जगह पर वो खड़े थे वहाँ पर लगभग जो है 2000 की भीड़ थी, लेकिन अगर आप क्षेत्र में घूमेंगे तो आपको लगभग 50,000 मकान मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज, अल्ताफ तिवारी के साथ मैं फारूक शाह। मुंबई पुलिस को सलाम।